हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लेके आ चुके हैं इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे देख के आपको सबसे पहले तो पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इनडायरेक्ट आते हैं और क्वेश्चन की वेटेज क्या रहती है। और सेकेंड पॉइंट, आपको ये पता चलेगा जो एग्जाम है उसमें आपकी प्रैक्टिकल कितनी वेटेज है और थ्योरी की कितनी वेटेज है, क्या सिर्फ आप थ्योरी पढ़ के भी एग्जाम को पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, ये आपके दोनों ही लैंग्वेज में होने वाली है, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। चले फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हुए जुड़ जाएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न्स और आपको इंपॉर्टेंट नोट्स की वीडियोस मिल जाएगी। चले फिर आगे बढ़ सकते हैं। इंट्रोडक्टरी टू माइक्रोइकोनॉमिक्स, जो कि आपका पार्ट है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स के दो पार्ट है, मैक्रो और माइक्रो। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्टरी टू माइक्रोइकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न। चले फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देख सकते हैं ये आपके कोई भी कोर्स में बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स, अगर आपके पास इंट्रोडक्टरी टू माइक्रोइकोनॉमिक्स है तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है और आपको 75 नंबर का एग्जाम होने वाला है। इंग्लिश या हिंदी कोई से भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पर पूरा पेपर आपको एक ही लैंग्वेज में लिखना होगा वरना आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं आंसर नंबर 1 पे। अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स, इसके क्वेश्चन भी 5 पार्ट्स कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होती है। एक्सप्लेन वाई टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, वाई द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अ फर्म मे बी हायर देन इट्स अकाउंटिंग। एक्सप्लेन वाई मोनोपोलिस्ट मार्जिन रेवेन्यू लेस देन प्राइस ऑफ द गुड, वाई फर्म इज अ परफेक्टली कॉम्प्लीट मार्केटिंग। अब हिंदी वाले स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, धर्मांतक तथा मानक कथन में क्या अंतर है, व्याख्या कीजिए कि दो उदासीनता वक्र आपस में क्यों प्रच्छेदित नहीं कर सकते, व्याख्या कीजिए कि एकाधिकार की सीमांत आगम वस्तु की कीमत से कम क्यों होती है। ये तो हिंदी मीडियम वाला की बता रहा हूँ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो इंग्लिश मीडियम। व्हाई डज द सोसाइटी फेस द ट्रेड ऑफ बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्वलिटी, एक्सप्लेन द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स ऑफ कमोडिटी आर गिवन बाय QD। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया 6 नंबर का सीधे, और क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट दिए हुए हैं। अब आता है 3rd पार्ट पे, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट में क्या फ़र्क है, व्हाट विल हैपन। एक सिचुएशन दे दी इन्होंने एक्स रखने की, तो आप वीडियो की स्पीड धीरे करके पूरी वीडियो देख लीजिएगा आराम से। अब आते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। समाज को दक्षता तथा समानता में मध्य सामंजस्य का सामना क्यों करना पड़ता है। अब ये हिंदी मीडियम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, QS दे रखी है और QD दे रखी है, आपको उसमें आंसर निकालना होगा। मतलब प्रैक्टिकल भी वेटेज करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक प्रैक्टिकल आ गया क्वेश्चन नंबर 2 पे। 3rd पे आते हैं, जिसमें आपको पूछा गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग काउंटीज क्या होती है। OPEC कुड सक्सेसफुली इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑयल बाय रिड्यूसिंग द सप्लाईज इन शॉर्ट टर्म। अब देखिए फिर से आ गया, QD दे रखा है और QS दे रखा है, और आपको इसमें पूछ रखा है कि आंसर निकालिए। 2 क्वेश्चन आ चुके हैं प्रैक्टिकल के अभी तक, जो कि 5-5 नंबर के थे। आप वीडियो को स्पीड धीरे करके आराम से देख लीजिएगा, आपको पूरी वीडियो सुनना आ जाएगी। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स देख लिए गए अच्छे से। क्रिकेट बॉल में लिए गए तथा पूर्णी समर्थ क्रमश QD 500 QS, जो कि आपको ऊपर बताया था उसी को हिंदी में दे रखा है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। 4th क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ द टैक्स एंड द टैक्स रेवेन्यू यूजिंग लेफर कर्व के बारे में बताइए। लेफर कर्व को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वाई द इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में अराइज इन लॉन्ग रन। अब आते हैं 3rd पार्ट पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का TC TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये क्वेश्चन तो आपका आने ही आना है। इतना आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आराम से बना लेंगे। एक निकालेंगे तो उससे TFC AVC सब कुछ निकल जाएगा। बस आपको इसको पढ़ना है कि इस कैस का फॉर्मूला क्या होता है, बस इसी में रख के आपको आंसर निकालना होगा। ये क्वेश्चन तो आपके फ्री के नंबर है 6 नंबर के। मतलब अभी तक आपको 3 क्वेश्चन दिख चुके हैं प्रैक्टिकल के, तो मतलब थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है पर प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी आप करके पास तो हो सकते हो, पर ये गारंटी होनी चाहिए कि आप जितना करके आए हो थ्योरी में उसके पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। तो आपको प्रैक्टिकल पर भी एक आधा क्वेश्चन पर जोर देना होगा, ये बात आप समझ लीजिएगा, हिंदी में देख लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 5th पे, हाउ डज अ कंज्यूमर चूज एन ऑप्टिमम पॉइंट ऑफ कंजप्शन। अब देखिए एक्स 36 दे दिया और रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दे रखा है MRS 3। अब एक फिर से पूछ लिया गया, देख सकते हैं प्रैक्टिकल, रीजन टू चूज बिटवीन 50 आवर्स ऑफ लेजर ऑफ 10,000 ऑफ कंजप्शन पर वीक, शो 6,000 पर वीक, डिसाइड टू इंक्रीज कर दी उसने, व्हाट विल बी द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होती है। अब इसी को इन्होंने हिंदी में दे दिया, 36 रुपये प्रति इकाई और 3 उपभोक्ता के इष्टतम उपभोग स्तर पर वस्तु वाई की कीमत कितनी होगी, ये पूछ लिया। अब हिंदी में देखिए, माना कि रीता को 50 घंटे का आराम अथवा 10,000 रुपये का उपभोग में से कोई भी एक चुनता है। जो बताया आपको वही हिंदी में बता रखा है, तो जितने भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 6th क्वेश्चन पे आते हैं, द मार्केट प्राइस ऑफ फेस क्रीम इज 50 पर यूनिट एट शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम।
प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। सेकेंड क्वेश्चन में मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस पूछ रखा है उन्होंने। अब आते हैं हिंदी में, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को ही। देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए तो आपको क्वेश्चंस मैं सारे प्रोवाइड करा रहा हूँ, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर में, देखिएगा जहाँ पे भी आपके आंसर हो। व्हाट इज नेचुरल मोनोपोली, क्या होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया। एक्सप्लेन शो द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर पूछ लिया। हाउ इज परचेस प्राइस, और इसी को हिंदी में दे रखा है। तो आप जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ उन सब की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल मिला है या जो भी मिला आप कहीं से लाए हो पब्लिकेशन की, तो उसके हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका पेपर ख़त्म हुआ है, चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।